गुंजन बेटा लो सबको चाय दिया। अगर सबको चाय देने जा ही रही हो तो इतना याद रखना कि इस घर में अब चारू भी है। सीमा ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अब तुमने हमें समझ क्या रखा है कि हम मौसी जी ठीक है ना, जब सबको चाय दे ही रही हूं तो उन्हें भी दे दूंगी। नो प्रॉब्लम। इस घर में ना दिन में चैन ना रात को। सुबह हो गई क्या? चाय लेकर आई हूँ चारू। ओह थैंक यू, हमें इसकी बहुत जरूरत थी। हम बहुत थके हुए, रात भर सो नहीं पाए ना। पूछोगी नहीं कि हम क्यों थके हुए हैं? चलो हम ही बता देते हैं। वो मयंक जी भी ना बस। चारू चाय ले लो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। लो शादी के मेहमान तो चले गए। देखते हैं आपकी बहू शादी के बाद अपने साथ क्या क्या लेकर आई है। अरे हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कि तुम बैग लेकर आओ और हम ताला खोले। भाभी ये सास की पिटारी से आपके लिए आया है, चारू के मायके से। माफ करना प्रभु, हम इसे नहीं ले सकते। बड़े आए थे शैल दीदी के वफादार बनने, क्यों क्या हुआ उन्होंने लिया नहीं? जाइए जाइए उनके पीछे जाइए। अरे नहीं लिया तो ना सही, हम रख लेंगे। हाँ बोल दीदी, वैसे भी पहला हक तो आपका ही है। हाँ जो मन में आए करो। अब तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दें कि हम चारू के घर जा रहे हैं। चारू के घर? कार लौटाने। कार? कार क्यों? हमने आपसे कहा था कि इस मामले को हम घर पे निपटाएंगे। अरे आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अरे ऐसे कोई दिया हुआ तोहफा लौटाता है क्या? और वैसे भी ना वो कार मयंक की है, इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता उसे लौटाने का। हाँ सीमा क्यों, आपको क्या लगता है कि सारी जिंदगी हम आपके उस खटारा स्कूटर पर ही बैठेंगे?
लेकिन मुझे ये कार नहीं चाहिए। थैंक यू पापा, मैं भी यही चाहता था कि इस कार को हम लौटा दें। पर मयंक, तुम्हारी अकल को हो क्या गया है? हाँ? यही सवाल मैं आप दोनों से भी पूछना चाहता था, ये कार आखिर आपने ली क्यों? ये आप क्या कह रहे हैं मयंक जी? पापा ने कार आपके आराम के लिए दी है। वो ऐसा है बेटा, इस घर का हर सदस्य बाकी सभी सदस्य की तरह रहेगा, समझिए आप। अच्छा हुआ भाई साहब अब आ गए। क्या बात है? वो हम चारू के घर जा रहे थे कार लौटाने। हाँ, हमने चारू के घर वालों से बात कर ली, तुम कार लौटाओ। जाओ। जी भाई साहब। जरूर जरूर ये उन मासी और भांजी का किया धरा है। हाँ। और नहीं तो क्या दीदी, सारा ड्रामा उन दोनों ने किया, लेकिन ये सारे गुस्सा हम पर हो रहे। देखो ना, विदेशी कार लौटाने की नौबत आ गई है। सच कहे दीदी, कुछ लोगों से है ना दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, अभी जाने दीजिए। पर बेटा, चारू का वादा है कि गाड़ी तो वापस जरूर आएगी, और वो भी जल्दी। हेलो मैडम, बाइक राइड पे चलोगी? ठंड में कहाँ जाओगी मैडम, हमारे पास आकर बैठिए। क्या बोला, फिर से बोलना। ओए, इतनी गर्मी अभी से? खींच के थप्पड़ दूंगी ना, बाइक तक चलाना भूल जाओगे, समझे? कुछ तुम इन्हें नहीं जानती, पंगे मत लो, बस चलो चुपचाप। यही तो गलती है छाया, हम चुप रहते हैं इसलिए आज इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। क्या कहा तुमने, फिर से बोलो। क्या हुआ, कुछ काम है इनसे? देखो आ गया हीरो अपनी देवियों को बचाने। क्या बात है? बाइक राइड पे ले जाओगे? चलो। तुझे बहुत ठंड लग रही थी ना, मजे देने जा रहे थे ना हमें, अब क्या हुआ? बोलो बोलो, करो जो करना है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम। जाने दे, ऐसे कैसे, अभी तो बाइक राइड के मजे देना बाकी है, राइट? प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, प्लीज माफ कर दीजिए। जस्ट शट अप,
बुजदिल कहीं के। एक दो लड़कियों को अकेले क्या देखा, तुम लोग चौड़े हो गए। अगर ये भीड़ इकट्ठा नहीं होती तो तुम लोग क्या करते, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। दरिंदे कहीं के, तुम लोगों के घर में माँ बहन होते हुए भी तुम लोग ऐसी हरकत करते हो। जरा सोचो, कुछ गुंडे अगर यही सेम हरकत तुम लोगों की माँ बहन के साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तुम इंसान नहीं, जानवर हो। नहीं, जानवर भी इनसे लाख गुना अच्छे होते हैं, वफादार होते हैं। ये सिर्फ अपने अंदर के वहशी के लिए वफादार है। आज इन्हें ऐसे खाली हाथ जाने नहीं देंगे। ये लो, ताकि याद रहे कि लड़कियां भी मजा चखाना अच्छे से जानती है। जिंदगी भर ये मजा याद रखोगे। मारो इनको। वो कहते हैं ना, जुबान सबके पास होती है लेकिन हिम्मत कुछ में। और ऐसे लोगों से निपटने के लिए ना सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। बट रियली गुंजन, तुम थी तो हम कर पाए, वरना दुबक के चले जाते हैं। ओके माय हिम्मत वाली, वो देखो क्या चल रहा है। चलो लेट्स सी। हे गाइस, क्या चल रहा है? डांस कंपटीशन के सिलेक्शन की तैयारी। डू यू नो अबाउट इट? फिर देर किस बात की, लेट्स डू इट गाइस। रचना गुंजन छाया, चलो पार्टिसिपेट करते हैं। अब तुम लोग ट्राई करो, मैं क्लास के लिए जा रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना ना, कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ बैठ के हमें इंकरेज तो कर ही सकती हो। और वैसे भी आज कोई क्लास वास नहीं है। क्यों? वो कोई अर्जेंट मीटिंग है। ठीक है। सुनिए, आप अपना टिफिन छोड़कर जा रहे हैं। कब निकल रही हो? क्यों, आपको हमारा यहां रहना खल रहा है क्या? ये क्या तरीका है अपने मां से बात करने का? लगता है बड़ों की इज्जत नहीं रही तुम्हें। हाँ, आपको तो हम शुरू से गलत और बदतमीज दिखाई देते थे। रचना को पढ़ने दिया जा रहा है, गुंजन ने शादी तोड़ दी, इस घर की सब बेटियां सब कुछ कर सकती, सारी दुश्मनी तो हमसे ही थी, इसीलिए हमारी जल्द से जल्द शादी कर दी। हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ और पापा के यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार हैं। आप प्लीज फ्री रहिएगा, हमें साड़ी चूज कराइए। बताइए कौन सी पहने, रेड वाली या ब्लू वाली? प्लीज सर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए प्लीज मुझे कुछ देर अकेला छोड़। तो क्या हो गया, कम से कम साड़ी का रंग तो बता सकते हैं। बताइए ये ब्लू वाली पहने। तुम नहीं समझोगी, मयंक बिना नाश्ता किए कहाँ जा रहे हो बेटा? चलो कुछ खा लो, आओ। भूख नहीं है दादी। भूखे रहने से बात सुधरने वाली नहीं है बेटा, बेहतर यही होगा कि जो कुछ भी हुआ है उसे स्वीकार लो, अपना लो और आगे बढ़ो। जीवन इसी को कहते हैं। नहीं दादी, कभी नहीं, इस शादी को मैं कभी नहीं स्वीकार सकता। सरासर नाइंसाफी हुई है मेरे साथ। Guys, 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 listen everyone. Okay?
ये सुनैना है वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स, ये आप लोगों की डांस में मदद करेंगे, ओके? हेलो, हाय, आई कैन सी कि आप सब में बहुत जोश और मस्ती है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है वो जी जान लगाकर करें। क्यों गाइस? तो स्टार्ट करें? श्योर। तो एक एक करके सब लोग बीच में आएंगे और अपना डांस परफॉर्म करेंगे, ऑलराइट? में थोड़ी थोड़ी कमी है, आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। आई थिंक कि कपल डांस देखते हैं। गुंजन, तुम क्या सोच रही हो? तुम एटलीस्ट ट्राई करो ना। नहीं छाया, प्लीज। राजीव सर, आप कहिए ना गुंजन को, अगर वो डांस करेगी तो पक्का हम जीतेंगे, वो बहुत अच्छी डांसर है। नहीं सर, प्लीज, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। कोई बात नहीं गुंजन, फोर्स मत करो, गुंजन का मन करेगा तो डांस कर लेगी, राइट गुंजन? दगाबाज रे होए दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, कल मिले हाँ कल मिले, हाय कल मिले हमको भूल गए आज रे, हाय दगाबाज रे, हाय दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, दगाबाज। What happened? मैं चारू से ही शादी करूं। अरे तुमसे तो लाख गुना अच्छी चारू है, चारू है, चारू।